हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर जो 2 है ना, सिलेंडर का टॉपिक का 9th नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए क्या होता है, क्या दिया है क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3050 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर्स। ओके, एक सिलेंडर जिनका वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, हम उसका रेडियस फाइंड करना है। ओके, इसी क्वेश्चन है, हम करते हैं। सपोज है ना, ले द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, सपोज हमने क्या ली, आर। ओके, सो यहां पर हाइट भी गिवन है, गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर से लिख सकते हैं इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो हम यहां पर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से हम रेडियस फाइंड करेंगे। सो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू कितना गिवन है, 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है आपका। ओके, सो फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 380 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड वैल्यू ऑफ पाई 22/7। ओके, आर हमें फाइंड करनी है, एच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर गिवन है, सो 20 पुट कर दिए इज इक्वल टू 3080 मतलब 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू है ना, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में ट्रांसफर होगा बाय ट्रांसपोजिशन रूल्स। सो 3080 सेंटीमीटर क्यूब 7 × 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 22 × 20। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस 22 × 1 = 22। ओके, यहां से ये 0 0 कैंसिल हो गया आपका। ओके, सो यहां पर 2 बचा है, सॉरी 8 बच गया, 88। ओके, सो 22 8 जाएगा, तो देखो यहां से हो गया आपका 22 4 है ना, हो जाएगा 14। ओके, क्लियर हो गया। अब यहां से लेते हैं 2 × 2, देखिएगा 2 × 2 = 2 7 = 14। ओके, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7। ओके, एंड आर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 7 2 टाइम्स है 7 स्क्वायर, सो स्क्वायर स्क्वायर अगर पावर 7 है तो बेस भी क्या होता है, इक्वल होता है, तो 7 आर इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 7 मिल गया। सो रेडियस आपको फाइंड हो गया आपका, है ना, हेंस द रेडियस ऑफ सिलेंडर इस कितना, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 लीटर जूस इज फिल्ड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ जार। ओके, इजी क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि 11 लीटर जूस जो है 35 जिसकी हाइट है ना, उस जार में 11 लीटर जूस आता है, बोल रहा है। ठीक है, तो जार किस टाइप का होता है, ये सिलिंड्रिकल शेप होता है, इस टाइप का होता है आपका जार, है ना। ठीक है जी, जार है उसी को सिलिंड्रिकल वेसल्स भी बोलते हैं। ओके, सो 11 लीटर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, क्योंकि वेसल्स कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप है आपका। ओके, सो हम जानते हैं, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है आपका। ओके, सो यहां पर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, लेट ओके द रेडियस ऑफ जार, जार में सिलिंड्रिकल वेसल्स कितना गिवन है आपको,
ओके रेडियस से हम डायमीटर फाइंड करेंगे आप, ठीक है ओके। तो ये हमारे पास हो गया ओके रेडियस ऑफ जार इज 4 सेंटीमीटर, जार कैसा है सिलैंडरिकल से ओके। सो हमारे पास यहां पर वॉल्यूम गिवन है जूस है ना, कितना है आपका 11 लीटर से है ओके। सो यहां पर हो जाएगा आपका हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है h इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर ओके। सो वॉल्यूम ऑफ तो वॉल्यूम ऑफ जार कितना गिवन है आपका 11 लीटर है ना, 11 लीटर गिवन है। बट हमारे पास देखो ये जानते हैं हम क्या 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ओके। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सो 11 लीटर मींस 11000 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ जार 11000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ओके। सो जार कैसा है सिलेंड्रिकल वेसल है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला ओके। सो पाई मींस 22/7 एंड आर स्क्वायर फाइंड करनी है एंड वैल्यू ऑफ एच 35 सेंटीमीटर पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 11000 ओके। नेक्स्ट प्रोसेस 7 × 7 = 35 ओके। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 11000 डिवाइडेड बाय 22/5 ओके। जो न्यूमेरेटर में ट्रांसफर होगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। चलिए देखते हैं यहां से है ना, यहां से 11 × 11 मींस 1000 और 11 × 22 ओके। यहां पर बच गया आपके पास ये हो गया टोटल 0, इतना टाइम चला जाएगा आपका ओके। नेक्स्ट यहां से देखते हैं तो यहां से देखो 2 × 5 = 10 होगा। नेक्स्ट प्रोसेस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओके आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 5 × 10 ओके। सो 10 कैंसिल हो गया ओनली 100, सो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 एंड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 ओके। अंडर रूट ऑफ 100 सो अंडर रूट ऑफ 100 कितना हो गया आपका 10, सो रेडियस हमको मिल गया 10 सेंटीमीटर ओके। सो हमको डायमीटर फाइंड करनी है, तो डायमीटर क्या होता है आपका देयरफॉर डायमीटर ऑफ जार मींस सिलैंडरिकल वेसल्स इज इक्वल टू 2 × r है ना, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज अ डायमीटर। सो 2 × 10 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो गया ओके। वेरी इजी क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। ए 80 मीटर लॉन्ग थिन वायर इज ड्रॉ बाय वेल्डिंग अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 मीटर है, डायमीटर 1 है 1 मीटर है एंड लेंथ 8 मीटर, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ वायर्स। अर्थात यहां पर देखो कॉपर का रॉड है, एक कॉपर रॉड है जिसका डायमीटर है 1 मीटर और लेंथ है 8 मीटर ओके। उसको गला करके हमको क्या निकालना है 18 मीटर लॉन्ग थीन वायर्स है ना, 18 मीटर का लंबा वायर बनाना है आपको। तो उस वायर का क्या निकालना है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ वायर, उसका थिकनेस फाइंड करना है, मींस उसकी मोटाई निकालनी पड़ेगी आपको ठीक है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं वायर, वायर क्या होता है कि वो सिलैंडरिकल से होते हैं इस तरह से वायर ठीक है जी है ना। तो उसका मोटाई मतलब उसका आपको डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड करने के पहले आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा ओके। सो यहाँ पर हमारे पास कॉपर रॉड को गला करके हम उसको वायर बनाएंगे ओके। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, सॉल्व करते हैं लेट है ना, यहाँ पर लेते हैं है ना वायर का डायमीटर कितना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन है, गिवन डायमीटर ऑफ कॉपर रॉड है ना, डायमीटर ऑफ
कॉपर रॉड कितना गिवन है आपको, 1 मीटर गिवन है आपको। ओके, सो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस विल बी r इक्वल्स टू 1/2 हाफ, है ना, रेडियस इज 1/2 ऑफ डायमीटर। ओके, सो ये हो गया आपका 1 का 1/2 हाफ कर दिया मतलब, तो 1/2 मीटर हो गया आपका। एंड आपका लेंथ गिवन है, इसका लेंथ में उससे को h मानेंगे रॉड का। ओके, ये ऐसा है, ये रॉड है ऐसा, इस टाइप का ऐसा रॉड है, है ना, इसको लेंथ मतलब इसी को मानेंगे ना, h को ही मान सकते हैं। तो होगा हाइट ऑफ सिलेंडर्स, जो रॉड है कैसा है, सिलैंड्रिकल शेप है आपका, रॉड कैसा है सिलैंड्रिकल शेप है, हमारे पास 8 मीटर का रॉड है, उसको 80 मीटर लॉन्ग की हुआ है, पतली तार हमको बनानी है आपका। ओके, तो ये हो जाएगा आपका चलिए, तो यहां पर हमारे पास है ले वायर है ना, तो यहां पर लेते हैं ले रेडियस ऑफ वायर, इस सपोज हमने इसको क्या लिया आर, ठीक है, इसको कैपिटल आर ले लेता हूं, इसको लेता हूं आर, ऐसा देख सकते हैं, है ना। अब चलिए लेते हैं, क्योंकि इस रॉड को पूरा दलाकर क्या बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं। ओके, सो यहां पर ले लेते हैं इसका आर हो गया ना, तो जितना कॉपर का रॉड को पूरा किसमें बन रहा है, उसका कितना भी माल लगा होगा वो किसमें बनेगा आपका, वायर बनाने में काम आएगा। अर्थात यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड्स जो है आपको वायर के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ लेते हैं यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लेंथ गिवन है आपका 80 मीटर हमको वायर बनाना है। ओके, सो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको कैपिटल एच देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ, लेंथ गिवन है मतलब वही आपका लेंथ ऑफ वायर। ओके, सो लेंथ ऑफ वायर कितना है, उसको लेते हैं एच इज इक्वल टू 18 मीटर्स। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ रॉड, ओके, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है जी। सो वॉल्यूम ऑफ रॉड इस समय इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे, है ना, ठीक है जी। तो क्या बोल रहा है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है आपका, तो आर स्क्वायर हो गया एच है। ओके, इधर ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच ऐसा। ओके, सो पाई एंड पाई कैंसिल ऑन बोथ साइड, सो वैल्यू ऑफ कैपिटल आर 1/2, सो 1/2 पावर 2 एंड एच वैल्यू ऑफ एच गिवन है ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जो भी रॉड का रॉड को पूरा पूरा बना करके आपने वायर बना रहा है, तो इसका रॉड का वैल्यूम उस वायर के वैल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। सो इधर हो जाएगा आर हमको फाइंड करनी है, आर हमें नहीं पता, एंड यहाँ एच आपको दिया हुआ है, आर स्क्वायर इनटू एच में हो गया आपका 18 मीटर लंबा तार, मतलब उसकी हाइट होगी आपकी। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ इसका, 1/2 किस हो गया आपका 1/4 इनटू ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इनटू 18 हमारे पास ऐसा गिवन है, सो ये बन जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ओके, 18 को ट्रांसफर कर देंगे तो 2/18 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सो 2/9 = 2 × 2 = 18, 1/9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आर का अंडर रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू आर, सो 9 का रूट क्या होता है 3, तो 1/3 ये रेडियस हमें मिल गया 1/3। ओके, हमको थिकनेस फाइंड करनी है, इस उसकी
मोटाई फाइंड करनी है तो हम जानते हैं थिकनेस, वायर का थिकनेस निकालने का मतलब हमको डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर थिकनेस ऑफ आप ले सकते हैं। ओके क्लियर, इस तरह से आप बना सकते हैं।